हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, वो टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की बातें मैं किस पे करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज इससे रिलेटेड मेरी जो है अधिकारी से बात हुई है। और मेरी बातें सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा सा धक्का लगे। कुछ बातें जो है मैं क्लियर किया है, वो बातों पर मैं आपका नज़रिया चाहता हूँ। आप बातों को पूरे समझने की कोशिश करें, क्या कहा है, कैसे कहा है अधिकारी ने, वो पूरी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग और पीएमएफ के रिलेटेड चीज़ें मैंने बात कही है, वो बातों पर मुझे कुछ पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए। अब पेंडिंग वाले के बारे में क्या है, मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ कि पेंडिंग वालों का कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं, शायद मेरी बात सुनने के बाद आपको धक्का लगे। अधिकारी का यही कहना था कि पेंडिंग वालों का कुछ भी नहीं हो सकता है, उनका कुछ भी नहीं होगा, जैसे है वो उनका कुछ भी नहीं होने वाला। यानी इसका मतलब कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जब तक गवर्नमेंट फंड नहीं पास करेगी उनकी नहीं आएगी। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई जिनका नहीं हुआ उन्हीं से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ। अब जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी क्लियर करके ही मैं बता पाऊंगा, उनका क्लियर कर लेता हूँ कि कब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। जिनका पेंडिंग बता रहा है, यहाँ पे उनका रीज़न यही कहना था कि आपका अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है और 10 तारीख तक था, लेकिन वेरीफाई ना होने की वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। दोस्तों मैं आपको ये बात तो बहुत दिल की गहराई बोलता हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ दोस्तों, उनसे यही उनका कहना था कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अब आप कहेंगे पीएमएफ पे क्यों नहीं शो रहा है, ठीक है दोस्तों, पीएमएफ पे इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि साइट में अपग्रेडेशन चल रहा है, साइट पे अपग्रेड हो रहा है, कुछ चीज़ें कभी जुड़ रही, कभी वो शो हो रहा है, कभी नहीं शो हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपका वो चीज़ें बताई जा रही कि आपका साइट में अपग्रेडेशन अभी चलने की वजह से। तो प्यू दोस्तों, आपको ये चीज़ें मैंने बता दी और कुछ कमेंट भी ले लेता हूँ मैं आपको वो भी दिया। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं कि मुझको जो है कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है और उनके रिस्पॉन्स भी मैं देता। ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है और काफ़ी लोगों के वेरीफिकेशन DOW से नहीं हुआ, क्या करें। देख सकते हैं कि जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है, मैं बार बार सबका रिप्लाई करता हूं, उनके रिप्लाई आने पर मैं तुरंत दे देता हूं। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो दोस्तों आप उम्मीद अभी छोड़ दें, मैं आपसे यही कहूंगा। आप लोग कहेंगे सर क्या है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, उमंग ऐप शोइंग तो बट वेरीफाइड बाई नो ऑफिसर फ्रेश MCM एप्लीकेशन, तो उनका ही था। मैंने कहा आएगी स्कॉलरशिप, उनका यही क्वेश्चन था, मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन दोस्तों मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। थोड़ा सा तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं यहाँ पर आपको ये बातें बता रहा हूँ। आप मेरी बात को यहाँ समझ गए होंगे कि जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है या पेंडिंग स्टेटस बता रहा था उनका कुछ नहीं हो सकता। ये बात क्लियर मैं कर दूँ, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से बजट नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो ये आप मुझे बताया करो, और आप परेशान ना हो, वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको बातें समझ में आ जाएंगी, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखो, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, गुड लक। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरे लिए, दुआ भी करिए आप लोग।